महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन, रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण वाहन किराए पर उपलब्ध है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मंच पर दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी अचानक फूट फूट कर रोने लगे। कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं और आम जन यह नजारा देख कर हैरान रह गई। इसके बाद जनता को संबोधित कर रहे जीतू पटवारी ने तरवर को गले लगाया, शांत कराया। दरअसल दमोह कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने आज दमोह में अपना नामांकन भरा, जिसके लिए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी दमोह पहुंचे थे। वहीं उनके द्वारा दमोह में एक सभा को संबोधित किया, इसी दौरान वह भावुक हो गए थे। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले नील कमल गार्डन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधा और भाजपा को झूठे वादे वाली सरकार बताया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस देश में बीजेपी और धोखा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक तरफ सेवादार और अच्छे मन का ईमानदार चुनाव मैदान में है और दूसरे तरफ बिकाऊ और लोभी, जिसने अपना परिचय बेईमानी का दिया है। ये चुनाव ईमानदार और बेईमान के बीच है। दूसरे के पर्याय, आपने 2014 में जो वादे किए, जो भावना व्यक्त की, वो आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ मोदी गारंटी का, 2 करोड़ रोजगार का? क्या हुआ किसानों के डबल इनकम का? क्या हुआ महंगाई का? क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ 15 लाख का? क्या हुआ 3100 के दाम का? क्या हुआ 2700 के दाम का? क्या हुआ 3000 बहनों को देने का? क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का? ये धोखा है नहीं तो नहीं क्या है? अभी आपने कहा हम प्रहलाद पटेल केंद्र के मंत्री थे, उनको राज्य का मंत्री बना दिया और कहा हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उमा भारती ने बीजेपी को सींचा और उमा जी को प्रचारक विचार समिति में लेकर लायक नहीं समझे, ये अपमान है या नहीं? मैं मानता हूँ एक तरफ ये मेरा परिवार का गरीब साथी, ईमानदार साथी, युवा साथी, सेवादार, अच्छे मन का, ईमानदार, और दूसरी तरफ है बिकाऊ, दूसरी तरफ है लोभी, दूसरी तरफ है जिसने परिचय दिया अपने अपनी बेईमानी का। तो ईमानदार और बेईमानी का चुनाव है। दमोह की जनता से मेरा आग्रह है कि मैंने 5 सवाल किए हैं। एक, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, पर बीजेपी के नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, इसके दोषी वो है कि नहीं है? इस जिले से पलायन क्यों होता है? इसमें रेलवे की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी? यहाँ वो तालाब है, उसको सफाई का काम चल रहा था, आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? किसानों की इनकम, उनकी आय, उनकी फसलों के दाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये सवाल आपके घरों में है। वोट देते वक्त याद रखना, खासकर संविधान से प्यार करने वाले परिवार के लोग। एक तरफ वो लोग हैं जिनको 400 सीटें चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए सोच समझ के वोट दो और कांग्रेस को वोट दो। भारतीय जनता पार्टी से, प्रहलाद पटेल जी से, आप यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है, ज्यादा से 10 साल से आप ही हो। 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है, दमों को क्या मिला? दमों को आपने एक, मैं अखबारों में पढ़ता था, सुनता था, बेलाताल सफाई अभियान हो गया होगा? अरे हो गया होगा? प्रहलाद पटेल जी क्यों नहीं हुआ 10 साल में आपसे? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुआ 10 साल में? पत्रकार बंधु, ये मेरे 5 सवाल है, पूछ रहा हूं उनसे आप, और मैं दमोह की जनता से भी आग्रह करता हूं, आप भी इस बात का विचार करना कि आपके बेटे पलायन क्यों करते हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं है? और प्रहलाद पटेल, जयंत पलैया, लाखन सिंह के बेटों को रोजगार क्यों मिल गया, सवाल है या नहीं है? जब आपके बेटों को, नेताओं के बेटों को रोजगार मिला है, तो यहाँ की जनता के बच्चों के रोजगार का क्या होगा? दूसरा सवाल, तीसरा, किसानों को आपने 2700 रुपए धान की बात की थी, गेहूं के 3100 धान के बाद धान की बात।
बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, आप चुनाव में गए, आप मंत्री हो सरकार के। सवाल बनता है बिना दिए वोट क्यों? आपको वोट क्यों देना चाहिए? अभी 3 महीने पहले आपने इस बात के वोट लिए और दिए नहीं, तो फिर वोट मिलना चाहिए क्या उनको? चौथा सवाल, जैसा मैंने कहा, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ। बैराज पटेल जी, सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ, एक है लोधी, एक है लोभी। पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे, सवाल है। और ये सवाल आज पूरे दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता भी पूछे। पांचवा सवाल, क्या कारण है कि इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी यहां राज में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाषण भी प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लोग अच्छे अच्छे देते हैं, हमसे अच्छे देते हैं, बातें तो लक्ष्यदार ऐसी करेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। पर सवाल यह है कि रेलवे की एक भी सुविधा दमोह संसदीय क्षेत्र को आप क्यों नहीं दिलवा पाए? सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ, सही है कि गलत? ये 5 सवाल है पत्रकार बंधु, ये उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बहनों के साथ बीजेपी न्याय नहीं कर सकता। हम 5 न्याय के सिद्धांत पर, विचार पर, एक नया विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती है। युवाओं को रोजगार नहीं है तो आप सभी को पता है कि लगातार 35 वर्षों से हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता आ रहा है, और लगातार 4 पंचवर्षीय, 2 मोदी जी के साथ और 2 पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और 2 बार हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री बनने का भारतीय जनता पार्टी के सांसद को मौका भी मिला। लेकिन आज तक दमोह लोकसभा में कोई ऐसी सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रहते हुए कोई ऐसी सौगात हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं दी गई जिस पर हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता गर्व सके, गर्व कर सके। आज हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार का कोई साधन नहीं है, उन्हें रोजगार तो ठीक, यहाँ मजदूरी करने के लिए भी कोई साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं और वहां मजदूरी करने जाते हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आई 2024 में और आप सभी का आशीर्वाद मिला और मैं यहाँ से आपके आशीर्वाद से सांसद बन के गया, तो सबसे पहले हमारे दमोह लोकसभा में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने का काम किया जाएगा। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता, बस यही आप लोगों के सामने एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये दमोह लोकसभा का चुनाव ये आम चुनाव नहीं है, ये दमोह लोकसभा क्षेत्र का चुनाव दमोह लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है 2018 में, जब यहां से कांग्रेस का विधायक बना था, उसने 2021 में दमोह विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं के मत को बेचने का काम किया। क्या ऐसे व्यक्ति को जिताएंगे आप? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जी, मोदी जी की गारंटी, जो आपने मोदी जी प्रत्याशी दिया है दमोह लोकसभा क्षेत्र के लिए, उसकी गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा? मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करता हूं कि अपने छोटे भाई को मत स्वरूपी आशीर्वाद देने की कृपा करें। मैं जब तक इस शरीर में जान है अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं की आवाज और
महाकाल एंड श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन, रेता, गिट्टी, ईंट, कंक्रीट, पंप, मुरम सप्लायर, सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन मशीनें, उपकरण वाहन किराए पर उपलब्ध है। कंक्रीट पंप, हाइबा, कंपैक्टर रोलर, कंक्रीट पंप एवं फ्लोरी से ढलाई का कार्य किया जाता है। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, हमारा पता है सिरोंजा सागर। हमारा संपर्क नंबर है 72248-048-22, 91317-49181।